हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्री वोकेशनल की एक्टिविटी देखेंगे जिसमें हम करने वाले हैं बीड वर्क। हम अभी सिर्फ सिंपल बीड वर्क करेंगे, लेकिन ये बीड वर्क प्री वोकेशनल स्किल में आता है क्योंकि ये आगे जाके वोकेशनल स्किल बन जाता है जिसमें हम अलग अलग टाइप के पैटर्न बना के उनको हम सेल कर सकते हैं। जैसे कि ये बीड वर्क आप सीखने के बाद आप राखी बना सकते हैं, फिर आप बड़े बड़े तोरण बना सकते हैं, गार्लैंड बना सकते हैं, फिर अगर बीड वर्क अच्छा है और पैटर्न अच्छा है तो आप नेकलेसेस बना सकते हैं जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है, तो ये बना सकते हैं आप। तो ऐसे अलग अलग टाइप के बीड वर्क से आप बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसे अच्छे दाम में बेच सकते हैं। तो ऐसे ही आज हम करेंगे प्री वोकेशनल स्किल बीड वर्क। लॉकडाउन के इस पीरियड में मुझे भी मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो मैं जो मेरे पास घर पे जो पड़ा हुआ मटेरियल है उसका यूज़ करूँगी। साथ ही में अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे, तो इसका भी आपको मैं टिप्स देने वाली हूँ। तो ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और अगर आप कर सकते हो तो उसे ज़रूर कोशिश कीजिए। लॉकडाउन की वजह से मेरे पास ज़्यादा मटेरियल है नहीं, तो मेरे पास ये पुराना एक हेयर पिन था जिसको मैं अभी काटूंगी और उसके जो बीड्स हैं उसको अलग अलग करूंगी। हेयर पिन तोड़ने के बाद मुझे दो टाइप के बीड्स मिले हैं, ये गोल्डन बीड्स और ये मोती। तो इससे हम ये दोनों से हम आज कुछ अलग अलग प्रकार क्या होते हैं वो देखेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बेसिक बीड वर्क। तो उसके लिए मैंने सुई में धागा डाल लिया है, ये नॉर्मल थ्रेड नहीं है, ये ज्वेलरी मेकिंग का ही थ्रेड है, तो मैंने ये डबल लेके इसको नॉट किया है। तो अब मैं उसको लॉक करूंगी एक बीड के साथ। तो मैं ये बीड के अंदर डाल रही हूँ और ये लास्ट में आने के बाद जो ये थोड़ा सा बच जाता है तो ये मैं इसके अंदर से डालूंगी और ये सुई को बाहर निकालूंगी। तो ये जो है ये बीड के साथ लॉक हो जाता है, मतलब आप अभी कुछ भी डालेंगे तो ये बाहर नहीं आएगा। ज्वेलरी मेकिंग के लिए आप डायरेक्टली थ्रेड को हुक लगा सकते हैं और फिर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए ये लॉक कर दिया है। ठीक है, अभी ये फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको ये सब जो मोती है एक एक करके बच्चे को डालने के लिए बोलना है, मतलब ये पूरा जो माला है वो मोती की माला बन जाएगी। बच्चे अगर ट्राई कर सकते हैं तो एक एक दो दो तीन तीन डालने को बोलिए, क्योंकि क्या होता है बच्चे को एक बार आदत लग जाएगी कि एक ही डालना है तो वो हमेशा एक एक ही डालते रहते हैं। लेकिन अगर उनकी एबिलिटी है दो या तीन डालने के बाद पीछे करने की तो ज़रूर वो कोशिश कीजिए ताकि काम भी हल्का हो जाए और उनका स्पीड भी बढ़ जाए। ठीक है, तो ऐसे ये फर्स्ट स्टेप है कि हमें एक एक टाइप का बीड डालना है और उसकी माला बनानी है, ये आप देख सकते हैं। ओके, अभी सेकेंड स्टेप दिखाती हूँ। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अल्टरनेट बीड डालेंगे। अभी ये मोती है तो हम गोल्डन बीड डालेंगे। फिर मोती, फिर गोल्डन बीड, ऐसे करके हम एक पैटर्न बना लेंगे। अब हम पैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें बच्चे काफ़ी बार गलती कर जाते हैं, एक के बाद एक ही साथ एक टाइप के दो बीड डालते हैं, जबकि हमारा पैटर्न अल्टरनेट बीड का है। आप देखेंगे कभी कभी क्या करते हैं, डबल मोती डालेंगे या गोल्डन बीड डबल डालेंगे तो ये पैटर्न फिर बिगड़ जाता है। तो ऐसे ही हमें ये एक पैटर्न
करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम पैटर्न को चेंज करते हैं। पहले हमने प्लेन एक ही कलर के डाले थे, फिर बाद में हमने अल्टरनेट डाला और अब हम सेकंड पैटर्न डाल रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि दो मोती डालेंगे और एक गोल्डन बीट डालेंगे। हम दो मोती डाल रहे हैं और उसके बाद एक गोल्डन बीट, एक ही ये, ठीक है। तो ये एक पैटर्न बन जाता है। फिर से एक बार दिखाती हूँ, हमें दो मोती डालने हैं और एक गोल्डन बीट, ठीक है। तो ये एक पैटर्न बन जाता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम फोर्थ पैटर्न करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, अभी दो गोल्डन बीट डालने हैं और एक एक मोती डालना है। तो हम इसमें डाल रहे हैं दो गोल्डन बीट, ये आप देख सकते हैं, दो गोल्डन बीट डाले मैंने और एक मोती। तो ये एक पैटर्न बन जाता है। फिर से दिखाती हूँ, दो मोती और एक गोल्डन बीट। ये मैंने मेरे पुराने बीड्स यूज़ किए हैं, तो अगर आपके घर में भी ऐसे पड़े हुए होंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक पैटर्न हो गया है। अभी इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। हम क्या करेंगे, तीन गोल्डन बीट डालेंगे और एक मोती, तो ये दिखने में ऐसा दिखेगा। फिर से दिखाती हूँ, तीन गोल्डन बीट मेरा हाथ काफ़ी हिल रहा है इसकी वजह से आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा, और एक मोती। ऐसे, ठीक है। इसको और ऑपोजिट करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, इसमें तीन मोती डालेंगे और एक गोल्डन बीट। और ये बच्चे को हमेशा काउंट करने को बोलना है आपको, कितने डाले हैं, ये देखिए, तीन मोती और एक गोल्डन बीट। फिर से एक बार दिखाती हूँ, ये तीन मोती और एक गोल्डन बीट। तो ऐसे आप तीन से चार, फिर पाँच, छः, ऐसे अलग अलग पैटर्न देके बना सकते हैं, ये माला बना सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक पैटर्न था, और इससे भी ज़्यादा अगर ये बच्चे कर रहे हैं तो हम इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ है वो सिखाना शुरू करेंगे। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो बीड है नहीं और लॉकडाउन की वजह से हम बाहर लाने भी नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, हम आज पेपर बीड बनाएंगे।
हाँ, तो उसके लिए मैंने ये दो कलर के पेपर्स लिए हैं, एक येलो एंड ये रेड। पेपर तो सबके पास ही होता है और ज़रूरी नहीं है कि आपको ये कलरफुल पेपर ही लेना है, आप न्यूज़पेपर का भी रीड्स बना सकते हैं। तो मैंने ये शेप में आप कोई भी, मतलब जितना आपको थिक चाहिए उतना आप पेपर बड़ा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और अगरबत्ती है मेरे पास, तो अगरबत्ती मैंने ऐसे बीच में रखी है और इसको रोल करूँगी। थोड़ा रोल करने के बाद मैं उसके आगे फेविकॉल लगा लूँगी। ये फेविकॉल लगाना ज़रूरी है ताकि बीड अंदर से चिपके रहे। थोड़ा आगे जाने के बाद फिर से फेविकॉल गम, जो कुछ आपके पास है वो आप लगा सकते हैं। इसे आप थोड़ा लगा दीजिए फेविकॉल। अगरबत्ती को निकालना मत भूलिए, अगरबत्ती को निकाल दीजिए अगर वो छुप रही है तो, और फिर आपकी एक्टिविटी आगे कंप्लीट कीजिए। तो ऑलमोस्ट ये हो रहा है। ये हो गया है। एंड में अच्छे से लगाइए ताकि अच्छे से चिपके रहे। तो ये बन गई हमारी एक हमारा पेपर रोल। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सूखने के लिए साइड में रखती हूँ। तब तक मैं और एक कलर लेती हूँ, मुझे दो कलर के बीच चाहिए तो मैं और एक कलर का लेती हूँ। ये है मेरे पास येलो कलर। सेम प्रोसीजर है, हमें पहले रोल करना है विद अगरबत्ती और बीच बीच में हमें क्या लगाना है, फेविकॉल या गम, जो कुछ अवेलेबल हो। ये दो कलर मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि पैटर्न करने में हमें इजी हो जाए। आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में आप क्या करेंगे, बहुत सारे पेजेस ब्लैक कलर में होते हैं, ब्लैक एंड वाइट होता है ना, तो एक प्रिंट ले सकते हैं और एक जो ब्लैक रहेगा वो ले सकते हैं। तो ऐसे आपके पास दो कलर के बीड्स बन जाएंगे। लॉकडाउन के चलते हमें ऐसे ही घर में जो पड़ी चीज़ है उसका यूज़ करना है, तो हम न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अगरबत्ती निकालना मत भूलिए। मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। तो ऐसे मेरे पास अभी दो रोल्स बन गए। अभी ये रोल को मैं सुखाती हूँ, तब तक हम पहले वाले रोल पे आते हैं। तो ये था हमारा पहला रोल रेड कलर का। अभी इसको काटेंगे तो स्टार्टिंग में आपको ये जो पॉइंट है इसको यहाँ से काटना है तो वो निकल जाएगा। फिर आपको जितनी भी बड़ी साइज चाहिए उतनी आप काट सकते हैं। जैसे मुझे इतना ही साइज़ का चाहिए तो मैं ये काट रही हूँ। थोड़े से चपटे हो जाएंगे, फिर बाद में आप उसको हाथ से ठीक कर दीजिए।
जहाँ पर आपको लगे बीड खुल रहा है, जैसे कि ये खुल गया, तो इधर आप थोड़ा सा फेविकॉल लगा दीजिए और वापस बंद कर दीजिए उसको, सूखने दीजिए। ये पेपर बीड बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये हमारे रेड कलर के पेपर बीड्स हो गए, आप देखेंगे। अब हम हमारे येलो कलर के बीड्स काटेंगे। सेम प्रोसीजर है, आपको पहले सामने वाला हिस्सा काट देना है और उसके बाद आपको छोटे छोटे साइजेस में ये बीड को काटने हैं। बीच में थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि बीच में बहुत मोटे होते हैं ये बीड्स, वो काटने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है, लेकिन बाद में इजी होता है। तो मेरे पास अभी दो कलर के बीड्स हो गए हैं, एक रेड कलर और एक येलो कलर। ये चपटे हो जाते हैं, उनको फिर बाद में आपको शेप देना है। ओके, तो अगर ये ऐसे हो रहे हैं तो इसको ऐसे शेप दे दीजिए, राउंड कर लीजिए। ऐसे है तो आप इसको राउंड कर लीजिए, ये देखिए चपटे हो गए हैं, तो इसको ऐसे हाथ से राउंड कर दीजिए। अभी सेम पैटर्न में आपने जो बीड्स का मोती का देखा था, वैसे ही आप सेम पैटर्न्स इसके साथ करवा सकते हैं। मैं आपको एक जस्ट एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ कैसे दिखेगा ये। मैं पहले रेड कलर डाल रही हूँ, फिर येलो, फिर रेड, फिर येलो, रेड और फिर येलो। तो आप ये पैटर्न देख लीजिए कैसा लगता है, फिर आपको आइडिया आ जाएगा। तो अभी आपको लगता है आपको बीड्स की ज़रूरत है, इतना सुंदर दिख रहा है ये। तो सेम पैटर्न जैसे मैंने मोती और गोल्डन बीड के साथ दिखाया था, वो आप पेपर बीड के साथ करा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये बीड वर्क, अच्छा लगा ना? तो अगर आप कर सकते हो इसे, आपके बच्चे कर सकते हैं, तो ज़रूर कोशिश कीजिए और मुझे इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए। और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अब तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।